जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जानता हूं आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन आ जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के अंदर नरमे की फसल आ चुकी है, लेकिन दोस्तों 225 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। मुझे नहीं, किसान भाइयों को। पिछले साल पंजाब में बहुत भारी नुकसान गुलाबी सुंडी की वजह से देखा गया था, लेकिन इस साल राजस्थान के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में नुकसान हो गया है गुलाबी सुंडी वजह से। अक्सर देखा जाता था कि राजस्थान के अंदर ये गुलाबी सुंडी जैसी बीमारी बहुत ही कम देखने को मिलती थी, लेकिन इस साल हनुमानगढ़ जिले के अंदर गुलाबी सुंडी ने कहर बरपा रखा है। 225 करोड़ का नरमा साफ हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है 225 करोड़ रुपए का नरमा। मित्रों, गुलाबी सुंडी का कहर हर साल हमारे किसान भाइयों की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और बहुत भारी मात्रा में किसानों की फसलों को बहुत भारी मात्रा में नुकसान देता है। तो दोस्तों, गुलाबी सुंडी से बचने के लिए कुछ मैनेजमेंट की, कुछ प्रबंधन की हमें जरूरत होती है, जो कि हम आसानी से कीटनाशकों का मैनेजमेंट करके, कीटनाशकों को सही समय पर छिड़काव करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। हालांकि देश के 3 ही राज्यों में अभी तक फसल आई है और अधिकांश राज्यों में फसल आनी बाकी है, लेकिन उन राज्य के किसानों से मैं निवेदन करूँगा कि वो सही समय पर सही कीटनाशकों का प्रयोग करके अपनी फसल को, जो नरमे की फसल है जिससे बिनौला बनता है, जिससे बिनौले की हमें खल बनती है, उन सब चीज़ों को बचाने के लिए पशुपालकों को अच्छी क्वालिटी की बिनौले खल देने के लिए, अच्छी क्वालिटी का बिनौला देने के लिए और सही दाम पे देने के लिए अपनी फसल को बचाए रखें और सही तरीके से अपनी फसल को उगाएं, उसकी उपज करें और सही तरीके से कीटनाशकों का उपयोग करके अपनी फसल को बचाएं। तो मित्रों, आपको मैं एक प्रबंधन की लिस्ट दिखाता हूँ जो आपके स्क्रीन पर भी आ चुकी होगी, उसका यूज करके आप आराम से अपने कीटनाशकों का इस्तेमाल करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। अभी तक देश के 3 ही राज्यों में फसल आई है, बाकी राज्यों में फसल आनी बाकी है, तो जो अनुमान निकलेगा पूरी फसल का वो तो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो नुकसान है वो आपके आगे मैं बता चुका हूँ। 225 करोड़ रुपये का नरमा गुलाबी सुंडी ने ख़त्म कर दिया है। तो सो बहुत से लोग नहीं जानते हुए गुलाबी सुंडी क्या होती है। गुलाबी सुंडी एक परिजीवी होता है, एक कीटाणु होता है, एक वायरस किसे हम कह सकते हैं, जो अक्सर नरमे की फसल में लग जाता है जब नरमे में फूल आने लगता है। ये टींडरे के अंदर घुसकर टींडरे को अंदर से ख़त्म कर देता है और फसल को जड़ से ख़त्म कर देता है, उसको साफ कर देता है। इसको कीटनाशकों के द्वारा रोका जा सकता है और बीटी कॉटन उगाने से रोका जा सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, लोग दुकानों पर जाते हैं, बीज की दुकान पर जाते हैं, उनको बीटी कॉटन की बजाय सादा बीज दे दिया जाता है जो भी ज़्यादा प्रभावित होता है बाद में गुलाबी सुंडी की वजह से। तो बीटी कॉटन बीज देख के सर्टिफाइड कंपनी का बीटी कॉटन बीज खरीदें और अच्छी तरह से अपने फसल की देखभाल करें, ताकि पशुपालकों को भी इसका लाभ मिल सके और किसानों को भी इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय।